दोस्तों, मूवीज या ड्रामास एंटरटेन होने का एक जरिया है। कुछ ड्रामे फर्जी या कुछ हमारे माशरे में होने वाले कामों को दिखाया जाता है। इसी तरह कुछ टीवी सीरियल हिस्ट्री या इंफॉर्मेटिव भी होते हैं। देखते हैं आज की वीडियो में 10 बेहतरीन तुर्कीश ड्रामास। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। नंबर 10 पर है ड्रामा सीरियल मुहाफिज। तुर्की का 10वां बेहतरीन ड्रामा सीरियल मुहाफिज है, जो उर्दू और हिंदी दोनों जुबानों में डब किया गया है। ड्रामे का मरकजी किरदार एक नौजवान हाकान है, जिसे इस्तांबुल को एक दुश्मन से बचाने का काम सौंपा गया है। नंबर 9 पर है कौसिम सुल्तान। तुर्की का 9वां बेहतरीन ड्रामा सीरियल कौसिम सुल्तान है। ये ड्रामा इस औरत पर मबनी है जो उस्मानी तारीख की सबसे ताकतवर खवातीन में से एक थी। कौसिम सुल्तान ने इक्तदार हासिल किया और सल्तनत उस्मानिया की सियासत को मुतासिर किया था। ये भी उर्दू और हिंदी में डब किया गया है, जिसके टोटल एपिसोड की तादाद 55 है। नंबर 8 पर है एक हसीना एक दीवाना। तुर्की का 8वां बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक हसीना एक दीवाना है, जो एक रोमांटिक और रोमानवी ड्रामा सीरियल है। इसके टोटल 31 एपिसोड हैं, जिन्हें उर्दू में डब किया गया है। नंबर 7 पर है मनाहिल और खलील। मनाहिल और खलील उर्फ मनेक्सी इलाहिल एक तुर्क ड्रामा है, जो तुर्की का 7वां बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। ये 2007 से 2008 तक नशर किया गया था। ये एक रोमानवी ड्रामा है, जिसके एपिसोड्स की तादाद अभी इन प्रोसेस है। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल फ्रीहा। फ्रीहा तुर्की का 6ठा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है, जो रोमांटिक और रोमानवी ड्रामा है। ड्रामे का मरकजी किरदार अदा करने वाली लड़की फ्रीहा एक खूबसूरत नौजवान लड़की है, जो एक चौकीदार की बेटी होती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस ड्रामा सीरियल की 191 एपिसोड्स हैं, जिन्हें उर्दू में डब किया गया है। नंबर 5 पर है इश्के ममनू। तुर्की का 5वां बेहतरीन टीवी सीरियल इश्के ममनू है, जो एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। ये 2008 से 2010 तक नशर किया गया था, जो एक रोमानवी ड्रामा है। ड्रामे के तमाम किरदारों ने बेहतरीन रोल प्ले अदा किया है। इसके टोटल एपिसोड्स 79 हैं, जिन्हें उर्दू और हिंदी में डब किया गया है। नंबर 4 पर है ड्रामा सीरियल फातिमा गुल। तुर्की का 4था बेहतरीन टीवी सीरियल फातिमा गुल है, जो एक सोशियोलॉजिक ड्रामा सीरियल है। ये 2013 में पाकिस्तान में तुर्की का सबसे बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहा है, जिसे 25 मिलियन पाकिस्तानियों ने देखा था। इसके टोटल एपिसोड्स की तादाद 80 है, जिन्हें उर्दू में डब किया गया है। नंबर 3 पर है ड्रामा सीरियल काला पैसा प्यार। यह तुर्की का 3रा बेहतरीन टीवी सीरियल है, जो एक रोमानवी ड्रामा है, जो 2014 से 2015 तक नशर किया गया था। इसमें एक्शन, इसरार और रोमान तीनों शामिल हैं। ये एक बेहतरीन टीवी सीरियल है, जिसके एपिसोड्स की तादाद अभी इन प्रोसेस है। नंबर 2 पर है मेरा सुल्तान। तुर्की का 2रा बेहतरीन टीवी सीरियल मेरा सुल्तान है, जो एक तारीखी ड्रामा सीरियल है, जिसकी कहानी सच पर मबनी है, जो उस्मानी सुल्तान सुलेमान की उम्दा जिंदगी पर बना हुआ है। ये 2011 से 2014 तक नशर किया गया था, जिसके 4 सीजन हैं और इसके टोटल एपिसोड्स की तादाद 139 है। इस ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया था। नंबर 1 पर है ड्रामा सीरियल देरलिस उर्दुगुल और कोरलिस उस्मान। ये ड्रामा सीरियल तुर्की का सबसे बेहतरीन टीवी सीरियल साबित हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में मकबूलियत के तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पिजराई मिली है, और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत पर पीडीवी सरकारी चैनल पर नशर किया गया था। इस टीवी सीरियल के 5 सीजन हैं, और इसके बाद अर्तुगरुल के बेटे उस्मान के 2 सीजन नशर हुए हैं और दूसरा सीजन अभी जारी है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।